Do you know, smoking is injurious to health. Lung cancer is one of the common cause of death in the world. Lung cancer ki wajah se hota hai death. The upper part of the respiratory tract is provided with a small hair-like structure called cilia. Cilia is a hair-like structure present through the respiratory system. These cilia help to remove germs, jinki wajah se germs remove hote hain. Dust bahar nikalti hai and other harmful particles from inhaled air. Agar air mein koi harmful dust particle ya phir germs chale gaye hain, to cilia ki help se unko remove kiya ja sakta hai. Smoking destroy these hair due to smoking ki wajah se ye hair destroy ho jate hain. Which germs dust smoke and other harmful chemicals enter lungs, jinki wajah se harmful chemicals and germs dust ke andar enter ho jate hain. कोज इन्फेक्शन, जैसे उसे इन्फेक्शन बनता है, कफ होता है एंड इवन लंग कैंसर हो जाता है. सो जस्ट लुक द डायग्राम. डायग्राम में सबसे पहले नेसल पैसेज, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के अंदर नेसल पैसेज होता है. नेसल पैसेज से एयर एंटर होती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स में साउंड प्रोडक्शन होता है जो कि हमारे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ होता है. जैसे आप बोलेंगे तो आपको आवाज वाइब्रेशन की फीलिंग होती है, तो ये साउंड बॉक्स है आपका यहाँ पर गले में. उसके बाद एयर एंटर होती है ट्रैकिया में. ट्रैकिया फिर से डिवाइड हो जाता है टू ब्रांचेस में. ट्रैकिया के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज किस लिए प्रेजेंट होती है? ताकि हमारा एयर पैसेज कोलैप्स ना हो. कोलैप्स का मतलब है कि ये दोनों वॉल आपस में जॉइंट जुड़े नहीं, कि अगर जैसे एयर बाहर CO2 बाहर जा रही है और O2 अंदर जा रही है, तो उस टाइम ये कोलैप्स होने से बचाता है. कि अगर नहीं है कोई एयर प्रेजेंट वहां पर तो वो कोलैप्स ना हो. देन ट्रैकिया विल डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाइज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल्स के आगे इस तरीके से थोड़ा बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड एल्वियोलर सैक. लंग्स के नीचे की ओर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम. और हमारे लंग्स पैक्ड होते हैं रिब्स के अंदर. 12 पेयर्स ऑफ रिब प्रेजेंट होती है. Within the lung, the passage divided into smaller and smaller tubes or small tube होती है, which finally terminate in a balloon-like structure. जिन bronchioles खूब छोटी-छोटी होती है, balloon-like structure बनाती है, which are called alveoli. हम alveoli कहते हैं, similar alveolus. The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. Alveoli में gas exchange होता है gases का, CO2 का और O2 का. The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. Alveoli के पास में blood vessels का एक network होता है. As we have seen in earlier years, then जब हम breathe करते हैं, we lift up, हमारी ribs ऊपर की ओर जाती है और हमारा diaphragm flat हो जाता है and chest cavity large हो जाती है. As a result, बीजेस की वजह से एयर अंदर चली जाती है और हमारे लंग्स में एयर एक्सपेंड हो जाते हैं लंग्स. द ब्लड, जो ब्लड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है फ्रॉम द बॉडी फॉर द रिलीज, उसको कहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ रिलीज करता है? एल्वियोलाई में. एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड. वहां से ब्लड में एल्वियोलाई में ब्लड में ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. और उसके बाद वहां से सारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है थ्रू द ब्लड. ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट. द लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. ब्लड के पास में अपनी वॉल्यूम ऑफ so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed. अभी time होता है कि वो blood कितना oxygen absorb कर सकता है and for the carbon dioxide to be released. और कितनी carbon dioxide release कर सकता है.
फॉर एग्जाम्पल वेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल स्टार्ट, जैसे कि ह्यूमन बींग को लेकर हम ह्यूमन को ले सकते हैं, द डिफ्यूजन, तो हमारे में डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल. जैसे कि हमने पढ़ा था अमीबा में डिफ्यूजन हो सकता है, डिफ्यूजन से उसमें रेस्पिरेशन हो सकता है, बट ह्यूमन बींग में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. कैन नॉट बी डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेकन केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इंस्टेड उसकी जगह हमारे बॉडी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन लेता है फ्रॉम द एयर इन द लंग्स और जो लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यू और उसको टिश्यू तक पहुंचाता है, विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इन ह्यूमन बीइंग. द रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन, विच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जिसके पास में ऑक्सीजन से कंबाइंड होने की हाई एफिनिटी होती है. This pigment is present in the red blood cells. Corpus, ये pigment hemoglobin कौन से cells के पास में present होता है? Red blood cells के पास में, corpus के पास में. Carbon dioxide is more soluble in water. और पता है कि हमारे water में carbon dioxide भी soluble होती है, then oxygen. Carbon dioxide is more soluble in water in comparison to oxygen. Is the hence is mostly transported in the dissolved form in our blood. If the alveolar surface were spread out, अगर हम लंग से alveoli को या alveolar surface को निकाल दें तो उसका total area cover करती 80 meter square. 80 meter square is very large surface area. How much do you think the surface area of your body? तो आपकी body का surface कितना है? Consider how efficient exchange of gases become because of the large surface available for the exchange of air. तो हमारे लंग्स में बहुत सारी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है. क्यों? बिकॉज वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, वहाँ पे CO2 का और O2 का दोनों गैसेस एक्सचेंज होती है. एंड डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल. डिफ्यूजन लार्ज एनिमल जैसे कि ह्यूमन बींग्स में पॉसिबल नहीं है बिकॉज डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. डिफ्यूजन वर्ट टू मूव ऑक्सीजन इन अवर बॉडी, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 इयर्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल for sir एक मॉलिक्यूल a molecule of oxygen to get to our toy from our lungs. why हमारे lungs से टॉय पहुंचने में ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स को 3 इयर्स लग जाएंगे अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है. from our lung are not you glad that we have a hemoglobin. इसलिए हमारे पास में पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है, कंबाइंड होने के बाद ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है. Exchange of gases take place in. Okay, thank you so much.